ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतु जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम के चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर नारद मुनि के द्वारा वेद्यास जी को भागवत के ग्रंथ ग्रंथ की रचना के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है और वो प्रेरणा देते वक्त नारद मुनि अपने खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे भागवत के संपर्क में आने से ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत के संपर्क में आने से ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त किए तो ये श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें नारद मुनि कैसे भगवान के प्रति रुचि को प्राप्त करते हैं नाइन स्टेजेस सर्विस हैं हम लोग चर्चा किए लास्ट टाइम विस्तार से श्रद्धा से चालू होकर होकर के श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति फिर निष्ठा उसके पश्चात रुचि उत्पन्न होती है यहाँ तक इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि इस स्टेज पर कैसे कोई भक्त पहुंच सकता है तो वैष्णव कृपा से उनका सेवा करके और उनके प्रसाद महाप्रसाद को प्राप्त करके नारद मुनि इस, इस स्थिति में पहुंचे लेकिन ये क्रमशः भवेत क्रम ये जो श्लोक हम लोग चर्चा किए थे ये बहुत महत्वपूर्ण है आद श्रद्धा तथा साधु संगा अथ भजन क्रिया तथो तो अनर्थ निवृत्ति तो तथा तो प्रेमा निष्ठारुचिस्तता तथास्तो भाव प्रेम्य साधकानादुर्भाव भवेत क्रम प्रादुर्भाव भवेत क्रम क्रम मतलब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रमशः ये होता है ग्रेजुअल है तो इसलिए धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है साथ ही साथ में तो किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिलने से उनकी कृपा मिलने से आ, आ, के पश्चात ये भक्ति रूपी बीज हृदय में हो जाता है फिर श्रवण कीर्तन रूपी सिंचाई जल से सिंचाई करके वो धैर्य पूर्वक जब कोई करता रहता है तत्पश्चात तो कुछ समय पश्चात वो इस प्रकार से नाइन स्टेजेस के थ्रू होकर के जाता है और फाइनली प्रेम रूपी जो फल है वो प्राप्त कर लेता है कृषि के इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य ये तीनों चीज की आवश्यकता होती रूपा जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्त्री है उसका विवाह हुआ है तो अभी उसको पुत्र की प्राप्ति करना है बच्चे संतान चाहिए तो है उत, उत्साह तो है कि संतान की प्राप्ति करना है लेकिन उत्साह निश्चय धैर्य ये तीनों चीज की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार से तो धैर्य पूर्वक जब वो सेवा करते रहते हैं तो आफ्टर नाइन है संतान को प्राप्त करते हैं तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति का बीजारोपण होता है हृदय में ऐसे शिष्य के हृदय में जो प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव को श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं तो कृष्ण भक्ति रूपी ब्रीज आरोपण हो जाता है लेकिन हमको ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि इमीडिएटली हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे केवल कृष्ण के प्रति प्रेम ही करेंगे सेवा ही करेंगे और आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे वो एक अल्टीमेट रिजल्ट है जो कि स्वाभाविक रूप से होगा हो ही होगा जैसे कोई वे, कोई स्त्री है प्रेग्नेंट हो गई है गर्भवती हो गर्भदान हो चुका है तो अभी नौ दस महीने में निश्चित रूप में पुत्र या संतान की प्राप्ति होगी लेकिन उसको धैर्य पूर्वक धैर्य भी रखना पड़ेगा तो ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है अदरवाइज नहीं लेना चाहिए इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये शास्त्रों में इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि हम समझें बात को कि उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति बीजा रोपण होता है साधु संघ के माध्यम से और भजन क्रिया से आगे फिर इस प्रकार से नाइन स्टेजेस के थ्रू होके जाता है इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए भजन क्रिया हम लोग कर रहे हैं हम लोग कल इस इस बात पे बहुत विस्तार से चर्चा की लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बारम्बार ये प्रश्न भक्त लोग पूछते भी हैं और जब जीवन में भक्ति भक्ति जीवन में समस्याएं आती हैं तो फिर से विचलित हो जाते हैं वो सोचने लग जाते हैं कई बार भक्त लोग कि हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं सब करना चाहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बार बार माया में हम क्यों फंस जाते हैं क्योंकि अनर्थ निवृत्ति अभी नहीं हुई है ये साइंस है विज्ञान है इसलिए हमेशा ध्यान रखिए भगवान की जो भक्ति है वो कोई जस्ट अ, सेंटिमेंटल नहीं है हाँ, हालांकि भाव है उसमें वो भाव की अवस्था है नीचे अंतिम अवस्था है अथा शक्ति भाव स्टेज है उसके बाद तथा प्रेम प्रेमा भी उसके बाद शुद्ध प्रेम विकसित हो जाता है तो ये आखिरी स्टेजेस जो है कृष्ण भक्ति की उसमें भाव और प्रेम है निश्चित रूप में लेकिन इस स्टेज में पहुंचने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है ये साइंटिफिक मेथड है साधना जिसको बोला गया है तो भक्ति भी विज्ञान है भक्ति को भी वैज्ञानिक रूप से करना चाहिए तो इसलिए जिन जो स्टेजेस बताए गए हैं उन स्टेजेस से होकर के हमको निकलना ही पड़ेगा तो अनर्थ निवृत्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है बिना अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस किए कोई भी व्यक्ति वास्तव में शुद्ध रूप में भगवान के प्रति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव को विकसित नहीं कर सकता है अगर ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है कोई भक्त है सो कॉल्ड भक्त है ऐसे भक्तों को कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहा जाता है वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को पार नहीं किए अभी भी अनर्थ हैं लेकिन बाहरी रूप से प्रेम को जो है अभिव्यक्त करते हैं तो वो प्रेम जो है अपूर्ण प्रेम कहलाता है वो सहेजिया मेंटेलिटी होती है उसको अवॉइड करना चाहिए ऐसे जो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना चाहिए ऐसे वृंदावन में और अन्य ऐसे धामों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो लोग सहजिया जिनको बोलते हैं सहेजिया मतलब सहज ले लेते हैं कृष्ण का प्रेम कृष्ण का जो के साथ संबंध है लीलाएं उसको बहुत सहज ले लेते हैं वो सोचते हैं अनर्थ भरे पड़े हैं अनर्थ नष्ट नहीं हुए तो उन अनर्थों को नष्ट करने के लिए जो महान आचार्यों ने भगवान ने शास्त्रों ने शास्त्रों में हमको विधि बताई गई है उस विधि को त्याग करके और वो केवल अपने मनमाने तरीके से आ, आ, जो है डायरेक्ट कृष्ण के शुद्ध प्रेम की वार्ताएं करते हैं राधा कृष्ण लीलाओं का चर्चा करते हैं और अपने आप को गोपी बना करके या उस प्रकार के उस प्रेम के स्तर पर रख करके वो सहजिया रूप में बड़े चीपली सहजिया का मतलब बहुत चीप लेकर के सस्ता समझ करके इस प्रकार का विफल प्रयास करते हैं जिससे वास्तव में भवबंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है आचार्य बताते हैं अगर कोई भी इंटरेस्टेड है भवन के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए तो उसे बहुत ही उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ साधन भक्ति को स्वीकार करना चाहिए कैटेगरी साधु 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 है साधु संग में भी अंदर स्टेजेस है उसमें सबसे पहला गुरुपाद आश्रय आता है कि गुरु प्रमाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए उसको गुरु पा बोलते हैं फिर तथा उसके बाद जो गुरु जो है वेरीफाई करते हैं और फिर दीक्षा होता है फिर अन्य वैष्णवों के संग में रह करके साधन भक्ति सेवा के कार्य में जुड़े रहना चाहिए इस प्रकार से ये भजन प्रिया क्रिया का ये प्रोसेस है ये वैज्ञानिक है और ऐसे करने से अनर्थ निवृत्ति जब पूर्ण रूप से हो जाती है तब वास्तव में निष्ठा और फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ये सब बहुत फास्ट होता है स्मूथ होता है हम लोग कल इसके उदाहरण दे करके चर्चा किए भी कि श्लोक में हमको सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही मिलती है कि हमारा अभी का फोकस जो होना चाहिए हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम और भाव हमारा लक्ष्य है उसके लक्ष्य को ध्यान में रखना है निश्चित रूप में उसमें कोई संशय नहीं है इसीलिए भक्ति सामने सिंधु रूप गोस्वामी दिए हैं जिसमें भगवान के प्रति जो अन, अन्य असंख्य प्रकार के भक्त हैं वो किस किस प्रकार से भाव का प्रेम का आस्वादन करते हैं इसका भी वर्णन किया हुआ है तो वो भी हम पढ़ते हैं ये फॉर इन्फॉर्मेशन कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है लेकिन हम उसमें एक्ट नहीं कर सकते अभी आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से वो नहीं तो सहजिया हो जाएगा है ना वो पॉसिबल नहीं है वो स्वाभाविक लक्षण होते हैं ऐसे भक्त के जो अष्ट सातवी विकार बताए गए हम लोग जैसे गौर कथा पढ़ते हैं संडे को तो चैतन्य महाप्रभु है और उनके अन्य नित्य पार्षद हैं शुद्ध भक्त हैं वो लोग अष्ट सातवी विकार प्रकट करते हैं कृष्ण का नाम कीर्तन कृष्ण के बारे में सुन करके कृष्ण का वर्णन करके अष्टुधारा बहती है रोमांच कंपा शुतरंग भाजो ऐसा महसूस करते हैं और जो महाभाव की स्थिति में होते हैं तो कई बार बारम बार मूर्चित होकर गिर भी जाते हैं कृष्ण के विरह में हर जगह कृष्ण को ही देखते हैं तो ये जो चीजें हैं ये आ, इमिटेट नहीं की जा सकते हैं इनको नकल नहीं किया जा सकता है इस स्टेज को हम खुद मतलब डायरेक्टली बिना विधि का पालन किए नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो ये हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए लेकिन ये सब डिस्कस किया जाता है शास्त्रों में दिया गया है दो कारण से ताकि एक हम उनको जान के लक्ष्य बना सके कि क्या हमारा लक्ष्य है यहाँ तक हमको पहुंचना है तो उस हिसाब से फिर हम अच्छे से प्रयास करें साधन भक्ति को और अच्छे से करें और दूसरा है कि ऐसे महान शुद्ध भक्तों को या महाप्रभु के कृष्ण के प्रति जो प्रेम की अभिव्यक्ति है ऐसे विकार है उनकी लीलाओं को सुनकर के हमारे हृदय का कर शुद्धिकरण होता है तो वो श्रवण के लिए श्रवण कीर्तन पुण्य श्रवण कीर्तन वो पुण्य होता है हृदय शुद्धिकरण होता है और दूसरा वो लक्ष्य निर्धारित होता है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कोई भी भक्त को इच्छा रखना चाहिए लेकिन आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से वो करने का प्रयास नहीं करना चाहिए नहीं तो भ्रमित हो सकते हैं और ऐसे सहजिया लोगों के चक्कर में फंस सकते हैं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो भक्त ऐसे फंस जाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में भक्ति जो है अपने आप में सबसे शॉर्टेस्ट कट है इससे ज्यादा आप शॉर्टकट नहीं दौड़ना चाहिए भक्ति अपने आप में शॉर्टेस्ट कट है साधन भक्ति जो दिया गया है अब इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कोई ढूंढेगा तो निश्चित रूप में वो भ्रमित हो जाएगा और माया में पड़ जाएगा सहजिया बन जाएगा ऐसे कई आ, कुछ उदाहरण हैं भी इस कौन के कुछ भक्त लोग ये सोचते हैं कि हम पांच साल आठ साल दस साल पंद्रह साल हो गया माला जप कर रहे हैं कुछ हो रहे हैं गोपी का भाव क्यों नहीं आ रहा है हृदय में गोपी के गोपी के जैसा प्रेम कृष्ण के प्रति क्यों नहीं आ रहा है आज भी सुधारा नहीं आ रही अभी भी हमारे वरिष्ठ भक्त गुरुजन बोलते हैं जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो कृष्ण का सेवा करो कृष्ण का नाम जब ध्यान पूर्वक करो चार नियमों का पालन करो ये सब पन ये सब करने में बड़ा तपस्या है बड़ी तकलीफ है हम तो कृष्ण को केवल प्रेम करना चाहते हैं हमको कृष्ण के लिए रोना है तो जाइए भाई वृंदावन में रोइए वहां पे ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो कोई नियम पालन नहीं करते हैं और इतने डिग्रेड हो जाते हैं ऐसी अवस्था हो जाती है कि इतने ज्यादा पतित हो जाते हैं डिग्रेड हो जाते हैं कि आर्टिफिशियली कृष्ण के प्रति सहजिया रूप में प्रेम व्यक्त करते हैं और अंदर ही अंदर फिर चारों नियम को नियम पूर्वक तोड़ते हैं यानी डेली तोड़ते हैं तो क्या फायदा हुआ है ऐसा तो इस प्रकार से हम सबके हित के लिए महान आचार्य हमको विधि प्रदान करते हैं इसीलिए गुरुपादय गुरु दीक्षा गुरु ये बहुत जरूरी है गुरु दीक्षा केवल एक जस्ट ऑफिशियल रिचुअल नहीं है ये केवल एक क्या बोलते उसको रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस नहीं है फैशन नहीं है फैशन आ, किस इनके पास गुरु है तो मेरे पास भी गुरु होना चाहिए इनका नाम में दास दासी लग गया है तो मेरे नाम में भी दास दासी लग जाना चाहिए नया नाम मिल जाना चाहिए फलाना फलाना दास या फलाना फलाना देवी दासी ये एक फैशन नहीं है गुरु दीक्षा का महत्व तो है ये एक वैज्ञानिक विधि को स्वीकार करना है गुरु के आश्रय को लेना है यानी जो महान आचार्य ने हमको जो विधि दी है साधना भक्ति की नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया नियमित रूप से, से भगवान के नाम का अच्छे से जप करना भगवान के बारे में नियमित रूप से कथा श्रवण करना गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनना और भगवान के लिए सेवा करना कुछ अपनी शक्ति अनुसार प्रचार कार्य में विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण सेवा भगवान की है कि प्रचार कार्य में मदद किया जाए उन भक्तों को जो प्रचार कार्य करने के लिए जीवन समर्पित किए हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और इसके अलावा ठीक है घर पे हम विग्रह भी रख सकते हैं भगवान का जो है श्रृंगार कर सकते हैं और भोग लगाना हुआ ये सब सेवा तो है ही है ये भी महत्वपूर्ण सेवा है इसलिए ऐसा नहीं बोला जा रहा कि नहीं है महत्वपूर्ण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में जो आता है भगवान के प्रचार कार्य में जुड़ना तो अपनी क्षमता अनुसार और इच्छा अनुसार हमको प्रेरित होना चाहिए कि हम कुछ सेवा करें भगवान के लिए अर्पण करें हाँ ऐसे कई गृहस्थ भक्त भी हैं जो करते हैं माताएं भी और प्रभु जी भी ऐसे ऐसे भक्त हैं इस कौन में जो डेडिकेटेड होकर के करते हैं ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त हैं जो जॉब करते हैं लेकिन फिर भी प्रपात जी के प्रचार के सेवा के लिए आधा घंटा एक घंटा डेली निकालते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऐसे तो ये इस प्रकार से हम कुछ ले सकते हैं हम अगर कोई एक प्रकार का सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं हेजिटेशन है तो हम दूसरा प्रकार का सेवा ले सकते हैं ये वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन इसलिए गुरु का आवश्यकता होता है कि हम उनसे मार्गदर्शन करके ले सकते हैं कि हम ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम भी प्रचार में जुड़ना चाहते हैं तो आप गाइड करिए कैसे कर सकते हैं तो आप घर बैठे बैठे अभी तो देखिए इतनी अच्छी सुविधा हो गई है ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे बैठे भी आप प्रचार का सेवा कर सकते हैं कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता है किसी कारण स्पेशली जो माताएं हैं तो प्रभु जी तो फिर भी निकल सकते है, लेकिन हैं लेकिन माताएं नहीं निकल सकती है ऐसे कि सड़कों में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें हालांकि करते भी हैं कई भक्त लोग करते हैं पूरा टीम बना करके ऐसे करते हैं स्पेशली मैराथन मंथ आ रहा है अभी अभी अक्टूबर हो गया नवम्बर फिफ्टीन नवम्बर के बाद मैराथन मंथ हो जाता है मतलब सब भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते गीता वितरित करते हैं लेकिन अगर कोई घर पर ही रहकर करना चाहता है तो भी सोल्यूशन है आप कॉन्टेक्ट ले सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं क्लासेस में लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं देखिए इस ऑनलाइन क्लास में ही देख लीजिए कितने सारे अभी भक्त हैं लगभग और और सारी क्लासेस मिला के ऐसे ऐसे भक्त हैं प्रैक्टिकली मोर देन सेवेंटी परसेंट सत्तर अस्सी परसेंट भक्तों से मैं आज तक मिला नहीं है लेकिन कई बहुत सारे जो लीडर्स हैं इस क्लासेस में वो लोग उन भक्तों को प्रेरित करके क्लासेस में लाते हैं और भगवान की कथा प्रपात जी की कृपा से प्रपात जी की शिक्षाओं को आ, सुन करके आ, आप में से कई भक्त लोग जो है माला जप करने लग गए चा, चार नियम पालन करते हैं भगवान का सेवा करते हैं और जहां भी आप इस्कॉन मंदिर केंद्र में रहते हैं वहां पे जा करके आप जाते हैं सेवा करते हैं तो देखिए यही तो ये कितना अच्छा प्रभाव है ना तो ये टेक्नोलॉजी का ये बेस्ट यूज है इवन विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट फिजिकली हम लोग एक एक दूसरे के अः साथ में या पास में ना आकर भी ऑनलाइन माध्यम से ही कोई देश के कोने कोने में बैठे भक्त हैं फिर भी इतना लाभ उठा पा रहे हैं कृष्ण भक्ति तो ये भी प्रचार हुआ ये भी बहुत बड़ा सहयोग है आप सभी भक्तों का जो लोग डेली फॉलोअप करते हैं लोगों को रिमाइंड कराते हैं लोगों को क्लासेस में बुलाते हैं तो भले आप उनसे कभी जीवन में मिलेंगे भी नहीं तब भी आपके कृपा से उन लोगों को भक्ति मिलेगा तो इसलिए इस कार्य में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उत्साह से इसमें भाग लेना चाहिए इससे भाग नहीं जाना चाहिए भौतिक जगत का नेचर है स्वभाव है कि जो जिस चीज में हमको थोड़ा तपस्या होगा ना उसको समय के साथ समय अंतराल में वो उस कार्य को करने में प्रेरणा नष्ट होता जाता है और वो कार्य को इवेंचुअली छोड़ देता है जैसे कि आ, स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो जैसे कोई स्टूडेंट है कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आ, कॉलेज के शुरू के कुछ दिन बहुत उत्साह से जाता है कि कॉलेज में पढ़ना है अच्छा है हम इंजीनियर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करना वो एक तपस्या है बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है और फिर उसको जा समझना पड़ता है फिर उसमें असाइनमेंट होमवर्क ये सब करना पड़ता है तो जो कि एक तपस्या है स्ट्रगल है कष्ट होता है मन को शरीर को तो फिर धीरे धीरे क्या देखा जाता है कि हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन एक महीने बाद फिर वही स्टूडेंट जो बड़े उत्साह से कॉलेज में एडमिशन लिए थे अब बंक करना चालू कर देते हैं क्लासेस नहीं जाना प्रारंभ कर देते हैं और टाइम पे होमवर्क असाइनमेंट्स नहीं करते हैं लेकिन जो स्टूडेंट महत्व को समझते हैं आ, तो वो लोग फिर दृढ़ता पूर्वक लगते भी जैसे बहुत कम लोग होते हैं उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार इस कलयुग में हमेशा ये मान के चलिए एक एक कष्टप्रद कार्य रहेगा आ, एक तपस्या ही रहने वाली है लेकिन जो भक्त होते हैं जेन्युन डिवोटीज होते हैं जो जो भगवान के असली भक्त होते हैं वो इस कष्ट को और तपस्या को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये कष्ट हम उठा रहे हैं किसके लिए भगवान के लिए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान इससे प्रसन्न होंगे कष्ट तो हर व्यक्ति को इस संसार में उठाना पड़ता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है जैसे कोई भक्त किसी अन्य व्यक्ति को फॉलो अप करते हैं तो कई बार वो लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो ऐसा फील होता है देखो हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या कितना हम बुलाते हैं कितना इंस्पायर करते हैं आते ही नहीं लोग बोल देते हैं झूठ बोल देते हैं या कई बार तो लोग मुंह पे बोल देंगे कि ये सब फालतू काम हमसे मत करवाइए हम नहीं करेंगे ऐसे बोल देते हैं या कई लोग नास्ती लोग मिल जाते हैं नास्तिक होते हैं जो निंदा करते हैं भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं तो भक्त को ये सब सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी क्यों चेतना हृदय में ये रहना चाहिए कि ये हम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं या इस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं ये तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं भगवान के लिए अगर हम ये कष्ट उठाते हैं सफलता मिले या ना मिले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इस भाव से हमको प्रचार कार्य में और ये सेवा के कार्य में जुड़ना चाहिए बताइए भगवान नित्यानंद प्रभु चैतन महाप्रभु ने आज्ञा दिया शुनो शुनो सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद आमार आज्ञा कर प्रचार ये आपको दिखाते हैं बहुत अच्छा प्रसंग है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है साक्षात हलदर हाँ सुनो सुनिए अभी हलधर के साथ क्या होता है सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंदा हलधर बलराम कहाँ गया सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद अमार आज्ञा है नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम ओहो पता नहीं किधर गया ठीक है एनी वे सुनो ठीक है मैं ऐसे ही बताता हूँ तो नित्यानंद नित्यानंदपुर भगवान बलराम है वो बलराम जिनका जो रोम सूता जस्ट व्यास रोमता उठा नहीं थे वो उठे नहीं थे तो वो अपराध पे नित्यानंद उनको मृत्यु दंड दे दिए सोचिए ऐसे भगवान बलराम जब नित्यानंदपुरु के रूप में आते हैं अभिमान शून्य निताई नगर भेड़ा ये भजन निकालते हैं चलिए अभिमान शून्य निताई नगरे भिड़ाए वही नित्यानंद प्रभु कैसे हो जाते हैं ओहो गूगल बाबा कुछ सच ही नहीं कर पाता है कभी कभी धोखा दे देता है ठीक है कोई भक्त अगर आप में से निकाल सकते हैं तो ये सॉन्ग निकालिए अभिमान्य शून्य निताई नगरे भिड़ाए अकरोध परमानंदा अकरोध परमानंदा अकरोध परमानंदा ये आ मिल गया नित्यानंद प्रभु का ये बहुत सुंदर भजन है समय नहीं है तुमको ये भजन भी गाना चाहिए अच्छा रहता कभी कभी इसी बहाने वैष्णो सॉन्ग तो गा लेते हैं अलग से टाइम नहीं मिल पाते परमानंदा नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ा અધમ પતિત જીવેર દ્વારે દ્વારે ગીયા હરી નામ મહિસે નારે દેખે તારે કહે દંતે ત્રી ન ધરી અમારે કિ નિયા લોહ બોલો ગૌર હરી એ બોલી નિત્યાનંદ ભૂમિ ગળી જાય સોન પર્વત જેનો ઢોલા તે લોટાય रति न जन्मिलो लोचन बोले से पापे लो, लो बोल रहे हैं द नोवलताई नेंग्रीज फॉर हीशन ऑफ सुप्रीम ट्रांसेंटल डिवाइड ऑफ एनी कॉन्सेप्टी गो नीताई व टाउन नित्यानंद प्रभु देखिए इतना सुंदर है ना नित्यानंद प्रभु इनको देखने मात्र से पूरा हृदय का शोक भय क्रोध नष्ट हो जाता है नित्यानंद प्रभु है तो ये कैसे हैं इनका स्वभाव है? भगवान बलराम ही है हलधर भगवान बलराम जो कि हस्तिनापुर को खींच के गंगा में डुबोने वाले थे आ, वो भगवान बलराम अभी नित्यानंद गुरु के रूप में आए हैं तो देखिए कैसे प्रचार कर रहे हैं पूरा अभिमान है शून्य निताई बिल्कुल भी फॉलसी को बिल्कुल भी अभिमान सब त्याग देते हैं अकरोध अकरोध मतलब कोई क्रोध नहीं परमानंद हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं और नित्यानंद राय द लॉर्ड मास्टर नित्य नितई नगरे भेड़ाए पूरे नगर नगर में भ्रमण करते रहते हैं और अधम पति जीवेर द्वारे द्वारे किया अधम से अधम पतित से पति व्यक्ति के घर 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 में जा करके क्या बोलते हैं नाम महंत्र महामंत्र दिशे हरिनाम महामंत्र उनको देते हैं है ना और जारे देखे तारे कहे दंत दंता त्रीर्णरी बड़े विनम्रता के साथ दंते दंते त्रिणाधरी तृण को दांत में फंसा करके यानी विनम्रता का सूचक है उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारे बोलो गौर हरी प्लीज प्लीज चैंट नेम एंड इन दिस वे मी क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता था कि जब नित्यानंद प्रचार के लिए जाते थे तो कई लोग तो बहुत स्वागत करते थे कि हाँ हाँ साधु संत आए हैं भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं तो चलो चलो उनको गालेंट पहनाते थे और स्वागत करते थे बैठ के फिर प्रवचन जब किया जाता तो सुनते थे अच्छे से इस प्रकार से रिस्पांस देते थे कुछ लोग होते थे जो लोग नास्तिक होते थे तो वो लोग डायरेक्ट निंदा कर देते थे बोलते थे देखो ये लोग चोर हैं हाँ अभी दिन में आए हैं साधु बन के और हमारे घर पे घुसेंगे और देख लेंगे कहाँ पे कौन कौन सामान रखा हुआ है फिर रात में आकर चोरी करेंगे इस प्रकार से निंदा करते थे कुछ लोग तो ऐसा नहीं की नित्यानंदपुर बोला अच्छा मैं चोर हूँ चलो दिखाता हूँ तुमको अभी हलदर अपना हल को हल मुसल लेकर उसका पिटाई नहीं करते थे बड़े शांत रहते थे और उसको बोलते थे अरे मेरे भाई आप आप जो है कृपा करके भगवान का नाम लो तो वो बोलता था अच्छा द, नाम ले हरी नाम ले हरे कृष्ण जप करने से पेट भर जाएगा हरे कृष्ण नाम लेने से क्या हमारा काम हो जाएगा इतना सारा कपड़ा धोना है और जॉब धंधा ये सब करना है ये सब कौन करेगा हरि नाम लेने से सब हो जाएगा तो नित्यानंद प्रभु बोलते थे क्या कि आप भगवान का नाम लो और मुझे परचेस कर लो मैं आपका नौकर बन के मैं करूंगा कपड़े साफ करना है ना मैं साफ करूंगा आप नाम लो बैठ करके इस प्रकार से बोल करके फिर जब फिर भी जब है बहानेबाज लोग हैं फिर भी बहाना करते हैं तो सब बहाने होते हैं फिर भी वो अलग अलग बहाने देते थे सुनते नहीं थे तो फिर क्या करते थे हाँ नित्यानंद भूमि गड़ी जाए सोनार पर्वत जेनो ढूला टेलोटा इतना बोल करके नित्यानंद प्रभु उसके चरणों में गिर जाते थे भूमि गड़ी जाए पूरा जमीन में लेट जाते थे हाँ और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सोनार क्योंकि बड़े ही ऊंचे कदकाटी के थे बड़े सुंदर सोनार गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है तो ऐसे गिरते थे जैसे सोने का पर्वत नीचे गिर गया हो ऐसा महसूस होता था इस प्रकार से जब देख के व्यक्ति फिर पानी पानी हो जाता था कि फिर उसको लेना ही पड़ता था हाँ ठीक है ठीक है उठो 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 हम लोग नाम जब करेंगे नाम जब करेंगे ठीक है उठो 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 ऐसे करके बोलते थे तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसे परम दयालु भगवान श्री चैतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो के प्रति रति यानी आकर्षण आसक्ति या प्रेम जिस व्यक्ति के हृदय में ना जन्मे तो लोचन लाल ठाकुर जो इस सॉन्ग के रचयिता है चैतन्य महापुरु के महान भक्त हुए वो बोलते हैं कि सेई पापी एलो पर्सन सिंपली कम्स एंड गोज इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड ऐसा पापी व्यक्ति केवल इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु चक्कर में अननेसेसरी uh, अनावश्यक रूप से आता जाता रहता है uh, एक सॉन्ग में तो यहाँ तक बोलते हैं से ही पशु बड़ो दुराचार नित्यानंद गुरु का एक भजन है से पशु दूराचार गूगल धोखा दे देता है कभी कभी वो तो सॉन्ग कैसे चालू होता है सेई आ, से ही पशु बड़ो दूराचार हाँ से बंधा नहीं रहा जन्म गेला तारा फिर भी नहीं ढूंढ पा रहा बेचारा जन्म गेला तारा समय भी हो गया ठीक आप है आप से कोई निकालिए भजन बहुत सुंदर भजन है वृथा जन्म गेला तारा उसकी पहली पंक्ति क्या है मुझे याद नहीं आ रहा आ, से संबंध नहीं आ यारा वृथा जन्म गेला तारा कैसे स्टार्ट होता है आप ऐसे कोई निकाल सके तो कृपा करके निकालिए एनी वे anyway, तो चैतन्य महापुर इस प्रकार से बोलते थे नित्यानंद गोदास ठाकुर की आप जाओ घर घर में प्रचार करो और शाम को आके मुझे रिपोर्ट करो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है हम लोग कई बार भक्तों को भक्त लोग सेवा तो ले लेते हैं सेवा दीजिए हम प्रचार का सेवा करेंगे लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं करते महीनों महीनों बाद भी पता नहीं चलता क्या चल रहा है हमको फिर पूछना पड़ता है प्रभु आप कुछ कॉन्टेक्ट लिए थे ना दस बारह पंद्रह कॉन्टेक्ट्स लिए थे फॉलोअप करने के लिए तो बोलते हैं अच्छा प्रभु जी कब दिए थे हाँ चेक करो एक बार मेल में तो वापस मेल में चेक अच्छा हाँ प्रभु जी हाँ हाँ मैंने ही मांगा था लेकिन भूल गया तो ये फिर समस्या हो जाती है इसलिए हमको सेवा करना है प्रचार का सेवा करना है जो सेवा हम करते हैं उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए जिनसे सेवा मिलता है तो इवनिंग में फिर उनको बताना चाहिए प्रभु जी इन, इन इन भक्तों से बात हुआ है और ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स है ये ये भक्त लोग जो है आ रहे हैं कथा में इनको ऐसा ऐसा प्रेरणा मिल रहा है और ये लोग इतने माला जब करना चालू कर रहे हैं ये सब रिपोर्ट है तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद को भेजते थे और शाम को बोलते थे आके रिपोर्ट करो तो वो लो लोग दिन में प्रचार करते थे शाम को आकर रिपोर्ट करते थे कि आज हम लोग ऐसे मिले तो ऐसे ही एक बार अद्भुत व्यक्ति मिल गए जगाई मदाई गएगा शराबी तो हरिदास ठाकुर आकर के रिपोर्ट करते हैं महाप्रभु एक कैसे कैसा पार्टनर आपने मुझे दे दिया है ये निताई ये तो खुद नशे में है पागल है हाँ और अपने जैसे नशेड़े लोगों को धूटता रहता है नित्यानंद हालांकि दोनों का अलग अलग नशा है नित्यानंद प्रभु नशे में है कृष्ण प्रेम में इसी चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना दिव्य प्रेम है कि उतना उत्साहित रहते हैं कि गौरंग महाप्रभु का नाम का प्रचार प्रसार करना है हाँ और इसलिए वो इस नशे में जाते रहते फिर भड़क भटकते रहते पूरे नगरें भिड़ाए और ढूंढते रहते हैं कि सबसे पापी से पापी व्यक्ति कौन है क्योंकि अगर वो कन्वर्ट हो गया वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया तो फिर पूरे जगत में नाम हो जाएगा तो ऐसे ढूंढते धूड़ते दो नसीढ़े व्यक्ति को पकड़ लिए जगाई मधाई अभी समय हो गया इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते तो उनको जाकर के पकड़ लिया और उनको बोलते हैं अरे भाइयों क्या कर रहे हो आप लोग वो लोग मटके में शराब पी रहे थे और पूरी तरह से नशे में थे और तो यहां से चिल्लाते हैं बोलो हरे कृष्णा तो बड़ी अद्भुत कथा है ये तो बोलते हैं कौन आ, तो जब एक व्यक्ति बोलते हैं अरे ये लोग हैं हरे कृष्णा वाले हैं आ गए देखो हाँ, हमसे सब डरते हैं पता नहीं ये कौन सा हरे कृष्णा वाला आ गया डरता नहीं है आ यार हमको ही बोल रहा है कि हरे कृष्णा बोलो चलो सिखाते हैं इसको सबक इधर आओ और फिर इस प्रकार से डराने धमकाने लगते हैं और दौड़ते हैं दोनों के पीछे हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पीछे ये दोनों दौड़ने लग जाते हैं मारने के लिए तो वहां से दोनों भागते हैं जोर से स्पीड से नित्यानंद प्रभु तो काफी यंग है तो भागते हैं हरिदास ठाकुर तो बहुत सीनियर है थोड़ा वृद्ध भी है तो यही किसी तरह से भाग भाग के पहुंचते हैं और पहुंचते पहुंचते शाम को पहुंचते हैं महाप्रु के पास हरिदास बोलते हैं कि कैसा पार्टनर आपने दे दिया है खुद भी नशे में रहता है आपके प्रेम में और ऐसे ही आप, जो संसार के सबसे बड़े नशीढ़े लोग होते हैं उनको पकड़ पकड़ के हरे राम करवाता है आ, मेरा तो आज हाला हम तो आज मरते मरते बच गए ऐसा बोलते हैं और फिर आ, तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर चले जाते हैं नित्यानंद प्रु फिर से बोलते हैं चलो फिर से जाएंगे इस बार देखते हैं वो दोनों जगह मथाई कैसे नाम नहीं लेते हैं फिर चले जाते हैं लंबी कथा है फाइनली वो अटैक भी कर देता है मधाई मार देता है अपना मटका उठा सर आपका मटके से नित्यानंद रोग के सिर में दे मारता है और खून बहने लग जाता है तभी नित्यानंद रोग कुछ क्रोध नहीं करते हैं ये खबर महाप्रभु तक तो पहुंच जाती है महाप्रभु दौड़ के आते हैं सुदर्शन चक्र ले लेते हैं मारने के लिए हाँ नित्यानंद के चरणों को पकड़ लेते हैं नहीं नहीं इस अवतार में हमको मारना नहीं है अगर मारने जाएंगे तो केवल हम दोनों बचेंगे सबको मारना पड़ जाएगा इसलिए मारिए नहीं आप कृपा करिए आप कृपा अवतार हैं करुणा अवतार हैं तो महाप्रभु बोले नहीं इन लोगों ने आपके ऊपर अपराध किया है मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ फिर इतने में नित्यानंद प्रभु एक ट्रिक सोचे हाँ कि कैसे महाप्रभु को प्रेरित किया जाए उद्धार करने में तो नित्यानंद प्रभु तुरंत बोलते हैं कि जब मधाई मुझे मार रहा था तो जगह ही रोक रहा था कि मत मारो मत मारो छोड़ दो ये साधु सन्यासी लोग हैं ठीक है आ गए बोल दिए नहीं समझ पाए तो माफ छोड़ दो गया साधु सन्यासी बेचारे लोग हैं तो जगाई मुझे बचा रहा था तो जब महाप्रभु जब ऐसे सुने कि मधाई नित्यानंद्र को मार रहा था तब जगाई ने बचाया तो इमीडिएटली महाप्रभु का हृदय थोड़ा सा पिघल गया बोले ठीक है ठीक है जगह के ऊपर मैं कृपा करूंगा हाँ लेकिन मधाई फिर रोने लग गया गिड़गिड़ाने लग गया बोला ऐसा ये तो ये तो नाइंसाफी है भगवान आप हम जगाई और मधाई हम दोनों एक साथ जन्म लिए हमने एक साथ हम ब्राह्मण परिवार में थे मंत्रोच्चारण भी एक साथ किए हैं और उसके बाद गलत संगति में हम एक साथ गए और हम लोग सारे प्रकार के पापाचार हर प्रकार का पाप भी हमने एक साथ किया है अब कृपा में ऐसा विभाजन क्यों उसको ऊपर उसको कृपा मिल रही मुझे नहीं मिल रही है ये तो नाइंसाफी है आप कृपा करिए तो महाप्रु बोले कि आपको तो मैं इस जन्म में तो छोड़ो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मैं आपको नरक में रखूंगा अगर आप बचना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लें तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के माफी मांगने लगे प्रभु उसको माफ कर देते हैं फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस कंडीशन पे कि एक ही कंडीशन पे हम आपको स्वीकार करेंगे और माफ कर देंगे क्या अब आप किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे और निरंतर कृष्ण का नाम लेंगे वैष्णवों का सेवा करेंगे विनम्र भाव से तो इस बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं महाप्रभु इमीडिएटली उनको दीक्षा दे देते हैं और उनके सारे पाप विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब नष्ट हो जाते हैं और ये जब होता है इंसिडेंट तो वहाँ पे यम वो यमराज उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त और उनके भी असिस्टेंट एक और रखा था अलग से जगह ही मधाई का हिसाब किताब रखने हो के लिए सब बेहोश होकर के ऑफिस में गिर जाते हैं ऐसा तो इम्पॉसिबल ये तो पॉसिबल ही नहीं तो इस प्रकार का इम्पॉसिबल चीज करते हैं खैर समय हो गया है हम लोग गलत जगह गलत जगह नहीं है लेकिन दूसरे मार्ग में डेवियट हो गए इस श्लोक पे थोड़ा और कुछ चर्चा है हम लोग कल चर्चा कर लेंगे थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 यस किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ प्रभु जी हरे कृष्ण मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आता प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कंतिमाल धारण करने के बाद किसको कौन तो ऐसा उनका इनका ऐसा क्या तो बोले तो क्या अपराध लगता है क्या कंठी माला धारण करने के बाद इस कंठी माला के अंदर से कोई ऐसी वस्तु नहीं जाना चाहिए जो कृष्ण को पसंद नहीं है और इसके बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो भगवान को पसंद नहीं है बस ये ध्यान रखना चाहिए हाँ है ना यानी चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए हाँ हाँ ठीक है ओके निंदा सुनने का अपराध लगता है क्या वो बोल रहे हाँ वैष्णव निंदा सुनने का भी अपराध लगता है तो वैष्णव सुन निंदा भी नहीं सुनना चाहिए और ना करना चाहिए उससे सावधान रहना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु आपने नामा आभास भक्ति बताया था प्रभु जी वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया कि मतलब क्या चीज है कैसे नाम का क्या आपने को आभास होना या क्या चीज है प्रभु जी हरे हाँ तो इसको अच्छे से समझाया जाएगा हम लोग सोलह अक्टूबर कार्तिक महीना का पहला दिन है उस दिन से हम लोग ये क्लासेज चालू कर रहे हैं हरिणाम चिंतामणि के ऊपर बड़े विस्तार से नाम अपराध क्या होता है नाम आवाज क्या होता है शुद्ध नाम क्या होता है इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा तो आप जुड़े रहिए पता चल जाएगा हरे जी